हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज भारत में दोस्तों 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों बहुत खुशी की बात है मेरे जितने भी देश के जवान हैं जो सीमा पे सुरक्षा करते हैं, हम लोगों की भारतीय लोगों की सुरक्षा करते हैं, जितने भी पुलिस बल है, जितने भी SSB वाले हैं, जो भी सीमा सुरक्षा जितने भी देश के जवान हैं उन सभी लोगों को मुझे मेरे तरफ से दिल से सलाम उन लोगों को। दोस्तों बहुत खुशी का दिन है आज का दिन। आज दोस्तों दिल्ली में जो राजपथ पे दोस्तों बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे मनाया जा रहा है, परेड किया जा रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। दोस्तों बहुत खुशी की बात है, आप लोग देख रहे हैं कि मेरे वीडियो में मैं भी अच्छे से झंडा फहरा रहा हूँ, झंडा लहरा रहा हूँ। जिस तरह भारत का जो झंडा है दोस्तों, मैं हमेशा यही उम्मीद और कामना करता हूँ सभी लोगों से कि सब कोई देश के झंडे की इज्जत करेगा, रिस्पेक्ट करेगा और इसका जो मान सम्मान है जो हमेशा जहाँ इसकी उपस्थिति होनी चाहिए वहाँ उसको रखेगा और उसको कोई अनादर नहीं करेगा देश के राष्ट्रीय झंडे की। और जितने भी लोग हैं भारत में रहते हैं उन सभी लोगों से मेरा गुजारिश है कि वह लोग राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम हमेशा नंबर 1 पर रखें, क्योंकि दोस्तों देश पहले है, फिर बाद में आपका समाज, आपका धर्म और आपकी जाति है, या आप मजहब किसी भी मजहब से आप बिलोंग करते हो उससे कोई भी मतलब नहीं है। देश सर्वोच्च है दोस्तों, देश सर्वोपरि है। देश पे अगर कोई भी आँच अगर आती है तो हम लोग तैयार हैं, हमेशा मुझ जैसे जितने भी नौजवान युवक हैं तैयार हैं लोहा लेने के लिए और दुश्मनों से लड़ने के लिए। और मैं यह कामना करता हूँ कि भारत में हमेशा शांति बनी रहेगी और इसी तरह जिस तरह भारत हमारा विकास कर रहा है, जिस तरह भारत ऊंचे ऊंचे पायदानों पर जा रहा है, लंबे लंबे सुरंगें बन रही हैं, हाई स्पीड ट्रेनें भारत में चलना अब शुरू होने वाली है, और जिस तरह भारत देश अपने ग्रोथ कर रहा है, जिस तरह लोगों में भारत के प्रति जो छवि बनी है और भी अन्य देशों में, उसके लिए दोस्तों बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने देश को सर्वोच्च स्थानों पर लेकर गए हैं। और सभी देश के लोग आप भारत को नाम सुनते हैं तो इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और भारतीय लोगों की हर जगह पे उनकी इज्जत है। दोस्तों इस बात से मैं शुक्रगुजार हूँ नरेंद्र मोदी जी का, जो इस तरह मुकाम पे पहुँचाने के लिए उनको दिल से शुक्रिया। दोस्तों आप भी लोग अगर मना रहे हैं गणतंत्र दिवस तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए कि आप लोग किस तरह अपना गणतंत्र दिवस मनाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी गणतंत्र दिवस अच्छे से मनाए होंगे, अपने स्कूल में गए होंगे, अपने जहां झंडा फहराया गया होगा वहां पर गए होंगे और आप भी लोग अच्छे से झंडे को सलामी दिए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग देश को सर्वोपरि और सर्वोच्च स्थान पर लेकर जाइएगा। जितने भी नौजवान हैं वो अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से लिखें पढ़ें और खेल कूद में भाग लें, हिस्सा लें और कुछ ऐसी गतिविधियों में हासिल ना हो जो इलीगल हो, जो आतंकवादी यो का आतंकवादी जो समाज चाह रहा है कि देश में अशांति पैदा करना, ऐसे लोगों से दोस्तों आप लोग दूर रहिए, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा करते हुए आप लोग पाए जाइएगा तो आपका करियर बर्बाद हो सकता है। तो मैं यही लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, यही मैं बोलने के लिए मैं इस अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों बीच में शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग मेरा वीडियो देखें और अधिक से अधिक इस वीडियो को लोगों के पास शेयर करिए, ताकि लोग गलत रास्ते पर ना जाएं, हमेशा सही रास्ते पर जाएं और अपने समाज, अपने देश, अपने सिटी, अपने राज्य और अपने लोगों का दोस्तों हमेशा ख्याल रखिए, क्योंकि वह ही हैं तो आप हैं। दोस्तों मुझे यही कहना था, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। दोस्तों अगर कोई बातें बुरी लगी हो आपको तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।